रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। मैं उम्मीद करती हाँ तुम सब वधिया होवोगे जी। अज मैं तुहाडे नाल शेयर करा कि बहुत ही वधिया जी रैसपी, बहुत आसान जी रैसपी जी। तुसी वीडियो नू पूरा देखना है, वीडियो तुसी स्किप नहीं करनी। बड़े जी आसान जे तरीके नाल बन जाती है, बहुत जल्दी, बहुत ही मज़ेदार, सब नू जरूर पसंद आऊगी। शुरू करते हैं जी अज की रैसपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज की रैसपी वास्ते जिहड़ी मैं छेवें लिया है वो मैं तले सामने रखिया है। इहदे वास्ते जी मैं अद्धा किलो गोभी लिखी है, फूल गोभी इहनू मैं जी इदा कट लिया। नाल सानू चाहिए जी एक पाई है आलू, इन्हां नू जी इस तरीके दे नाल मैं कट लिया। नाल सानू चाहिए जी अदरक लहसुन, नाल सानू चाहिए जी हरिया मिर्चां, नाल सानू चाहिए जी कटिया होया हरा धनिया। तो ये लिया जी मैं प्याज, एक प्याज लिया, इन्हू इस तरीके कट लिया। नाल सानू चाहिए जी एक टमाटर, नाल सानू चाहिए जी चिकन, एक पाइया चिकन लिया। तुसी बकरे का गोश्त भी लै सकते हो, तुसी दूसरा भी गोश्त लै सकते हो जी। मैं ये चिकन ही शामिल कराँगी, बहुत वधिया, बहुत ही मज़ेदार जी रैसपी बनती है। दूसरी साइड से जी असी अदरक लहसुन भी कुट लवेंगे, तो पेस्ट बना लेंगे। नाल जी असी हरिया मिर्चा भी कट लवेंगे जी। माशाल्लाह इनू तुसी जिहड़ियां हरिया मिर्चां दा भी पेस्ट बना सकते हो या कट सकते हो। इदा इन्हां दोनों नू मैं जी तैयार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हुण शुरू करदे हां अपनी रैसपी बनाना। एक कढ़ाई लै लो जी, उहदे विच तुसी इदा घ्यो शामिल कर लो। तुसी कोई भी घ्यो शामिल कर सकते हो, इहदे विच वैजिटेबल या फिर तुसी मक्खन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जी घ्यो शामिल करके इहनू थोड़ा जिहा गर्म होण देवांगी। इहदे विच जी शामिल कर देंगे असी अदरक लहसुन दा पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनू जी असी थोड़ा जिहा पका लवेंगे, असी ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं इन्हां नूं करना, सुनहरी नहीं करना, बस 2-4 सैकेंड असी इन्हूं पकाना है। तो नाल इत्थे जी असी शामिल कर देना है प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज नूं जी मैं बरीक बरीक कट लिया सी, तुसी पेस्ट भी बना सकते हो। तो लेकिन साडी सब्ज़ी जिहड़ी है ना, असी शोरबे वाली नहीं बनानी, इसलिए असी पेस्ट नहीं बनावांगे, असी इन्हूं कट के ही इस्तेमाल करांगे। बहुत वधिया लगता है जी, कट के ही चंगा लगता है। इहदे विच इनू भी जी असी थोड़ा जिहा पका लवेंगे, पका के तो ये थोड़ा जिहा असी जिहड़ा पानी शामिल कर देंगे, इस वजह तो कि प्याज जिहड़ा वह गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। नाल जी इत्थे असी शामिल कर देंगे टमाटर, एक टमाटर लिया सी मैं, उन्हों जी छोटा छोटा मैं पीस विच कट लिया। तो इनू भी जी नाल ही असी पका लवेंगे सारे मसाले दे नाल। शामिल कर दो तुसी हरिया मिर्चा, इन्हों मैं छोटा छोटा कट लिया, बहुत वधिया लगदियाँ। पेस्ट भी तुसी शामिल कर सकते हो, तुसी कट के भी ये शामिल कर लो, इदा इस्तेमाल कर लो, बहुत मज़ेदार जी बनती है। इन्हें सारे मसाले नू जी असी थोड़ा जिहा पका के तो ये असी शामिल कर देना है चिकन, मुर्गी का गोश्त। ये मैं लिया जी पाइया लिया सीगा, तो बहुत मज़ेदार जहा। जिन्नी कि सब्ज़ी उस तरीके उन्नी मिकदार दे विच तुसी लवो, अगर तुहाडी सब्ज़ी ज़्यादा है तो उन्नी ही चिकन की मिकदार तुसी वधा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें सारे नू जी असी वधिया जहा भुन लवेंगे मसाले नू, ताकि चिकन दे विच मुर्गी दे गोश्त दे विच इहदा स्वाद आ जाए, वधिया जहा जिहड़ा है ना माशाल्लाह साडा मसाला तैयार हो जाए। इदा जी जो तुहानू लगे कि इहदा रंग जिहड़ा तब्दील हो गया मुर्गी दे गोश्त दा चिकन दा, तो तुसी माशाल्लाह जी इस तरीके नाल इहनू वधिया जहा भुन लिया। भुन के तो तुसी जिहड़ा है ना इहदे विच मसाले शामिल कर दिओ। मैं शामिल करांगी नाल ही जी कुटी हुई लाल मिर्च, दरदरी मिर्च जिन्हों कहते हैं, नाल शामिल कर देंगे जी हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाल तुसी शामिल कर दिओ नमक, नमक जिहड़ा तुसी अपने स्वाद के मुताबिक शामिल कर लो, थोड़ा पाना चाहो थोड़ा तो या फिर वध पाना चाहो वध। नाल शामिल कर देंगे जी असी काली मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च में शामिल किया मैं, नाल शामिल कर दिता जी जीरा, जीरा पाउडर में शामिल किया। ये नाल शामिल कर देंगे जी मैं धनिया पाउडर, सुके धनिया का पाउडर शामिल करांगे। ये सारे मसाले नू जी असी वधिया जिहा भुन लवेंगे, सारे स्पाइसिस जिहड़े मैं मसाले पा के ते इहनू वधिया जिहा सारा मसाला जिहड़ा असी भुन लेना है। इहदे चंगी बनाई करनी आ वधिया जिही, ताकि मुर्गी का गोश्त भी वधिया मज़ेदार जिहा भुनिया होए, ते नाल सारा मसाला भी वधिया जिहा उहदी भी भुनाई हो जाए। इहदे विच नाल जी शामिल कर देंगे असी आलू, कट्टे हुए आलू जिहड़े ना असी विच शामिल कर देने आ, वधिया जी इहनां दी भुनाई कर लेनी आ असी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी बहुत वधिया बनता। अगर तुहानूं वीडियो चंगी लगती होवे तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब तुसी जरूर करियो, वीडियो नूं भी लाइक जरूर करियो। इत्थे जी थोड़ा जिहा असीं पानी शामिल करांगे, पानी इस वजह तों शामिल करना मसाले भी गल जाण, आलू भी जिहड़े आ ना उह भी गल जाण। पानी शामिल करके तो असीं इहनूं ढक के तो पका लिया। माशाल्लाह जी इहनूं 2-4 सैकेंड 2-4 मिनट वास्ते मैं पकाया है, ढक के माशाल्लाह बहुत ही वधिया साडा मसाला तैयार हो गया। चिकन भी गल गया, मुर्गी का गोश्त नाल आलू भी गल गए ने, तकरीबन अद्धे तो ज़्यादा आलू भी माशाल्लाह गल गए ने।
बहुत ही वधिया जहा माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार जहा मसाला साढ़ा तैयार हो गया। हुण इत्थे तुसीं शामिल कर देनी है गोभी। गोभी नूं तुसीं आखिर ते ही शामिल करना, पहलो शामिल नहीं करना। अगर असीं पहलो पा देवांगे तो सारी गोभी है बहुत जल्दी गल जाऊगी, बहुत जल्दी गल जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा जड़ा है ना चंगी नहीं लगती, एक खड़ी खड़ी ही वधिया लगती, खड़ी खड़ी ही मज़ेदार लगती है, इहनूं खाण च स्वाद आंदा है। अगर ज़्यादा असीं गला लईए तो वह फिर वधिया नहीं लगती देखो नूं भी। माशाल्लाह जी इहनूं इसी विच शामिल करके तो मिक्स कर लेना चंगी तरह ताकि सारे मसाले जड़े साडे वधिया जे बराबर जे मिक्स हो जाए तो गोभी वधिया साड़ी मज़ेदार जी लगे। माशाल्लाह जी तुसीं वेख सकते हो वधिया जे मैं इहनूं मिक्स कर लिया बहुत ही आसान जे तरीके दे नाल, देखण नूं भी वधिया लगती है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह इहनूं जी असीं दम ला के ते पकावां 5 मिनट वास्ते पकावांगे। माशाल्लाह जी इहनूं मैं दम ला के 5 मिनट तक पकाया है ते इहदे विच मैं पानी शामिल नहीं किया, पानी तो बगैर ही असीं इहनूं पकाया है क्योंकि गोभी दे विच भी गोभी भी अपना पानी छड्डदी ते उहदे विच उह खुद ही पक जांदियां। माशाल्लाह जी आलू भी गल गए ने ते गोभी भी वधिया जी गल गई ते इहनूं मैं भुन भी लैणा है। तुसीं भुन भी लैणा नालों नाल तुसीं चमचा हिला के डोई हिला के ते इहनूं भुन भी लैणा। माशाल्लाह जी मैं भुन भी लिया ते माशाल्लाह ये गल भी गई आ, ऐसी खड़ी खड़ी ही रखनी आ ते यही वधिया लगदी आ। माशाल्लाह इत्थे जी असीं शामिल कर देंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लो जी तैयार हो गई है साड़ी गोभी गोश्त दा सालन। गोभी गोश्त की रैसपी बहुत ही आसान जे तरीके दे नाल मैं बनाई हाँ, बहुत ही वधिया देखने में भी वधिया लगती है ते खाने में भी माशाल्लाह इंशाल्लाह वधिया ही लगेगी। तुसीं बना के अपने घर विच जरूर सब नूं खिलाया तो बहुत आसान जे तरीके दे नाल मैं बनाई हाँ। बिस्मिल्लाह। हाँ जी अग बंद करके मैं हल्की अग रखी सी नीचे तो इनू अग बंद करके असी एक प्लेट दे विच काढ़ लवांगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी बहुत बहुत वधिया बनी आ। अगर वीडियो चंगी लगती हो तो तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो ते वीडियो नूं भी लाइक जरूर करियो ते अपने रिश्तेदारां दोस्तां विच भी इनू जरूर शेयर करियो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला बहुत ही वधिया बहुत ही आसान जे तरीके दे नाल जी मैं बनाई हाँ, बहुत ही वधिया लगती है। माशाल्लाह जी अलहमदुल्ला तुसीं वेख सकते हो सारिया चीज़ा बहुत वधिया जी गल भी गई तो गोभी भी साड़ी ज़्यादा गली नहीं खड़ी खड़ी रही आ तो वधिया लगती है देखने भी तो खाने भी बहुत मज़ेदार लगती है। माशाल्लाह जी अगर वीडियो चंगी लगती हो मेरे बनाने का तुहानू तरीका वधिया लगता हो तो मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर करो, मेरी वीडियो ने भी लाइक जरूर करो। अल्लाह पाक जी तुहानू सब नू खुश रखे आबाद रखे बहुत सारिया चीज़ों नवाजे, जो जो तुहाडियां ख्वाहिशां अल्लाह पाक तुहानू सब दे, अल्लाह पाक तुहाडे ते अपनी रहमत करी रखे, अल्लाह पाक तुहानू किसी का मुहताज ना करे तो अल्लाह पाक तुहानू सब ते अपनी रहमतां दा नज़ूल हमेशा ही बनाई रखे जी। हमेशा खुश रहो आबाद रहो। मैं फिर हाजिर होवांगी एक नवी वीडियो लैके, उन्नी देर तक जी अल्लाह हाफिज़।